आपका फिर से स्वागत है और जारी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अनसुनी कहानी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को सेक्युलर नेता माना जाता था। जब वे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने स्कूलों में ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़ाना आरंभ करवा दिया। तर्क दिया गया कि गधा किसी धर्म का नहीं होता है, शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जब ऐसे सेक्युलर नेता का नाम राष्ट्रपति के लिए 92 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उठाया तो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने यह कहकर उनका विरोध किया कि वे ब्राह्मण हैं। नरसिम्हा राव डॉक्टर शर्मा को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर शर्मा के ना कहने के बाद ही नरसिम्हा राव खुद प्रधानमंत्री बने थे। 91 में राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। 91 में देश में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, पार्टी में मंथन चल रहा था पीएम किसे बनाया जाए। तब सोनिया को पार्टी और इंदिरा के सबसे वफादार शंकर दयाल की याद आई थी। सभी कांग्रेसी नेता उनके नाम पर सहमत थे। नेहरू गांधी परिवार की वफादार अरुणा आसफ अली डॉक्टर शर्मा से मिलने भी गई थी। सोनिया का संदेश दिया गया, पार्टी चाहती है कि आप देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें। डॉक्टर शर्मा ने उम्र का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने राष्ट्रपति होते हुए 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई। शायद ये एक विरले राष्ट्रपति थे कि ऐसा हुआ। वे 3 प्रधानमंत्री थे, श्री एचडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल। शंकर दयाल जी ने अटल बिहारी जी की शपथ दिलाई थी और साथ ही उसका मुहूर्त भी निकलवाया था। यह पहला मौका था जब मध्य प्रदेश का जन्मा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति था और जिसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला रहा था उसका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से ही था। 96 के आम चुनाव में देश की जनता ने किसी भी दल को जनादेश नहीं, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन शपथ ग्रहण के लिए उन्होंने अटल जी को जो समय दिया उस पर विचार किया गया। पहले ज्योतिषियों से सही समय पूछा गया, फिर शपथ ग्रहण का टाइम निश्चित किया गया। यह भी एक कमाल का वाक्या था। भोपाल पहुंचने पर तो उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में वे भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था, महान राष्ट्रपति कहलाने की मेरी चाह नहीं है, मैं तो बस यही चाहता हूं कि चदरिया जस की तस रख। भोपाल के लिए मैंने जो कुछ किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये चाहता हूं मैं भोपाल के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका भोपाल के लोगों का सिर झुक जाए। शंकर दयाल शर्मा के सामने गुलियादाई गली का नाम बदलकर शंकर दयाल स्ट्रीट करने का प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा था जिसकी गोद में मैं खेलकर बड़ा हुआ हूं उसके नाम से बड़ा मेरा नाम नहीं हो सकता। ये थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उनकी नम्रता। डॉक्टर साहब जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे उस दौरान वो भोपाल आए थे और बच्चों के खेलने के लिए कश्मीर के बैट लाए थे। बच्चों के साथ जमकर क्रिकेट भी खेलते थे। तो भोपाल में
पटियाबाजी भी जमकर करते थे। भोपाल में पटियाबाजी का मतलब दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा करना होता है। ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद के साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। जब सुल्तान काबूस ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनके लिए खुद कार चलाई थी, शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति के रूप में 94 में मस्कत का दौरा किया। ओमान के किंग कभी भी विदेशी गणमान्य अतिथियों को लेने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं जाते, मगर जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मस्कत पहुंचे तो ओमान के सुल्तान काबूस राष्ट्रपति को लेने के लिए हवाई अड्डे पर खुद पहुंचे। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की फ्लाइट ओमान पहुंची तो सुल्तान खुद उनकी सीट तक गए, राष्ट्रपति को उनकी सीट से उठाकर नीचे उतारा। ओमान के सुल्तान खुद गाड़ी चलाने लग गए। सुल्तान काबूस यहीं तक सीमित नहीं रहे, डॉक्टर शर्मा को लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंची कार के साथ ड्राइवर भी था, मगर ओमान के किंग ने उसे ड्राइविंग छोड़ने का कहा और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को बैठाकर स्वयं खुद कार चलाकर उन्हें ले गए। बाद में जब मीडिया के लोगों ने सुल्तान से सवाल दागा कि उन्होंने इतने सारे प्रोटोकॉल क्यों तोड़ दिए, तो सुल्तान का जवाब था कि मैं डॉक्टर शर्मा को लेने हवाई अड्डे पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वह भारत के राष्ट्रपति थे। सुल्तान ने कहा, जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था तो डॉक्टर शर्मा मेरे प्रोफेसर थे और इसी कारण मैंने उनके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए। शंकर दयाल जी जब विदेश में पढ़ने गए थे उस दौरान आपकी पहली पत्नी जो अपने बेटे सतीश के साथ रहती थी उसकी मृत्यु हो गई। जब शंकर दयाल जी वापस भोपाल लौटे तब आपकी सौतेली माँ संपत बाई ने उन्हें बहुत समझाया और उनका दूसरा विवाह विमला देवी के साथ 1950 में कर दिया गया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति, सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं एक स्कॉलर भी थे जिनके पास बहुत अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी थी, जिन्होंने साहित्य, इतिहास, लॉ आदि अनेकों विषयों पर लिखा था। इसके साथ ही शंकर दयाल जी आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे। देश के राजनेता होने के नाते उन्होंने शिक्षा, कानून और लोक निर्माण के लिए अनेकों कार्य किए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, वे खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते थे। वे एक अच्छे धावक और तैराक भी थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने कविता, इतिहास, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और विभिन्न धर्मों के बारे में बहुत से लेख लिखे। अपनी पढ़ाई के समय और उसके बाद जब वह शिक्षक थे उसी समय से उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाना चालू कर दी। डॉक्टर शंकर दयाल जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1940 में हुई जब उन्होंने आजादी संग्राम में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यह वो पार्टी थी जिसके अंदर रहकर उन्होंने आजादी प्राप्ति के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री पद से मनाही कर दी, ये एक अलग बात है। उन्होंने इसके बाद राष्ट्रपति का पद स्वीकारा, पर उनकी नैतिकता उनके जीवन में
एक ऐसी मिसाल है जो बौद्धिक जमात और राजनीतिक तबके के लिए प्रातः स्मरणीय है। 19 अगस्त 1918 को भोपाल में जन्मा ये मध्य प्रदेश का सितारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 26 दिसंबर 1999 को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। अनसुनी कहानी इंडिया न्यूज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मिलेंगे। डॉक्टर भल्ला का नमस्कार।